तो आवाज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये जैसे आप बोल रहे थे माइक पास आ जाए बहुत आवाज़ गूंजने लगती है, तो बताइए बताइए कि ठीक है कि नहीं है। नहीं, सुधा जी के लिए वो ज़्यादा लागू होता है, तो बलाघात स्वतः है, लेकिन आप तो सहज हैं। आप सबको नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इस मामले में लग रहा है कि मैं 64 में दिल्ली आया था और तब से इसकी बात उन जी कर ही रहे हैं। बहुत सारी सभाएं देखी हैं, बहुत सारी प्रदर्शनियों में गया हूँ, बहुत सारे नाटक देखे हैं, बहुत सारी फिल्में देखी इसी दिल्ली में। अड्डे जिनको कहते हैं उनमें शरीक हुआ हूँ कि वहीं कहा शाम को चाय पी रहे हैं श्री राम सेंटर में, त्रिवेणी में। आपने कुछ ऐसा कुछ याद दिला दी पुराने दिन, तो इन सभाओं ने भी चलाए रखे क्योंकि आप निकलते हुए एक सभा से किसी कट को सुनकर के लिए उसके बारे में कोई बोल रहा है उसको सुनकर तो एक निरंतरता बनती है इन सब चीज़ों की। तो ये तो मैं मानता हूँ कि इसने एंड आई फील ब्लेस्ड कि गे अच्छा हाँ पहला तो ये काम मुझे कर लेना चाहिए क्योंकि उस समय तजेंद्र ने शुरू किया, फिर मैंने उसको कुछ ठीक करने की कोशिश की, तो वो कविता हम लोगों ने चूंकि टूट टूट कर पढ़ी है तो मैं उसको पूरा पढ़ना चाहता हूँ। अवश्य अवश्य। भोर वेला नदी तट पर घंटियों का नाद, चोट खाकर जग उठा सोया हुआ औसाद। नहीं मुझको नहीं अपने दर्द का अभिमान, मानता हूँ मैं पराजय है तुम्हारी याद। क्या बात। और गे के साथ भी बहुत जीवन एक तरह शुरू किया दिल्ली में दिनमान में एज ए फ्रीलांसर। बहुत सारी चीज़ें उनकी मुझे याद हैं, पर अब मैं जो करना चाहता हूँ, आज मैंने सुबह तजेंद्र से कहा भी, उनका नाम कई लोग तजेंद्र ले रहे हैं तो मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने कहा देखा तजेंद्र ही तो है, पंजाबी उच्चारण के कारण पंजाबी में तजेंद्र ही होता है। तजेंद्र ही होता है, मैं जानता हूं। कर देता है। महेंद्र महेंद्र हो जाता है, महेंद्र हो जाता है, होना ही है, इसकी नियति है। तजेंद्र है या तेजेंद्र? नहीं तजेंद्र है। तजेंद्र फिर क्या महादेव के लिए कहेंगे या सन्यासी के लिए कहेंगे? ये बताएंगे मैं तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये रहा होगा तेजेंद्र ही, लेकिन अच्छा, लिखने तो के कारण जैसा संज्ञा। आज सुबह एक ही मात्रा हटा दी ना, कोई बात तेज वाला इंद्र मैंने तज हुआ तो फिर तो सन्यासी बन जाएंगे, इनको पकड़ के रखना पड़ेगा। इंद्र में तो बहुत सारे गुणागुण है, तो उनकी चर्चा ना करें। देखिए वो अगर उसका अर्थ करें इस तरह से, अरे वाह। अच्छा अब ऐसा है, तजेंद्र से मेरी उनके बारे में जानता था, पर ये स्वीकार करूं और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनसे मिलना हुआ, उनका फ़ोन आया। इस पुस्तक के प्रसंग में ही उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको पुस्तक भिजवाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा वो तो प्रकाशक भी से भी मिल गई है और एक मैंने अमेजोन में भी ऑर्डर कर दी है, इस आशंका में कि कहीं अगर न पहुँचे समय पर तो मेरे पास किताब रहे क्योंकि उस दिन से बोलना है। तो वो किताब मुझे अमेजोन वाली तो कल मिली, पर बाकी मिल गई आपसे और आपसे। तो इन्होंने फ़ोन किया पहले दिन, तो कुछ ऐसी बातें हुई, फिर आज इनका फिर फ़ोन आया। तो मैंने तजेंद्र से कहा कि मैं एक काम तो पहला ये करना चाहता हूँ कि मैं आपकी कविताओं का पाठ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। कारण ये है कि मैं अपने लिए जब भी आवाज़ ठीक है, जब कविता किसी भी कवि की पढ़ता हूँ तो मैं अपने एक पाठक के नाते कह रहा हूँ, तो वो स्वर तलाशने की कोशिश करता हूँ कि ये स्वर कहाँ है, इसके इसका इस स्वर का क्या मर्म है, या जिस तरह से वो कविता लिखी गई है उसकी उसकी लय या छंद से भी अधिक स्वर, कि वो किस तरह का स्वर है जो मुझ तक आ रहा है और उसको मैं कहाँ कैसे रख सकता हूँ। तो दो कविताएं पढ़ूंगा। कितना भी हो भव्य उत्सव बस एक पल जीना सुख, कैसी भी हो त्रासदी बस एक पल जीना दुख,
और भर आना जल्दी, बाकी जीवन जीवन है, न सुख है न दुख। और दूसरी, बस इतना ही चाहिए कविता को, एक साल का हुआ दुख और एक सुनने वाला सीधा साधा मनुष्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह तो, वाह। मुझे असल में बहुत सुंदर बातें हुई हैं, और जैसा गगन कह रही थी, इतनी बातें हुई हैं कि जिनको शायद मैं भी कहना चाहता था वो हो चुकी हैं, उनको नहीं दोहराऊंगा, वो अपनी जगह हैं। और एक चीज़ और कि एक रेंज कविता में, बोलने में, सभा में मैं बराबर बहुत पसंद करता हूँ, और वो आती ही आती है, क्योंकि एक जैसी बातों से तो फिर आप, या एक जैसे इंटरप्रिटेशन से क्या होगा। और मैं तो इस बात को इसलिए भी कहता रहा हूँ कि हिंदी में खासतौर पर बड़े आग्रह रहे हैं ना, इसको पढ़ो, इसको ज़्यादा पढ़ो, ये वामपंथी है, ये है, तो हम लोग उससे भाग्यवश बचे रहे हैं कि हमसे आप कैसे छीन लोगे। अज्ञे भी हमारे हैं, मुक्तिबोध भी हमारे हैं, शमशेर भी हमारे हैं, त्रिलोचन भी हमारे हैं, नागार्जुन भी हमारे हैं। पर अभी जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे इन कविताओं को पढ़कर लगा कि तजेंद्र, जिसकी चर्चा कुछ कर चुकी है गगन, मुश्किल में तो देखिए किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, अगर वो समाज में है, और समाज में ही है, तो मुश्किलें तो बहुत सारी रहती हैं, कठिनाइयाँ, तरह तरह के, ये इसका विकल्प क्या हो, समझौता करें कि ना करें, मैं कैसे कितना साहसी हो सकता हूँ, जिसकी बात है कि एक अलग तरह से। तजेंद्र बचपन की ओर लौटते हैं, हम सब लौटते हैं, जब बहुत परेशान होते हैं, चारों तरफ बहुत सारा एक घेरा बना हुआ है, एक चक्रव्यूह सा, एक जगह चक्रव्यूह की बात तो करते भी हैं, तो उस चक्रव्यूह में हम सब के साथ ही होता है, कुछ तो चाहिए, कहीं से तो साहस आए, तो हम कहाँ लौटते हैं, हम पुरखों की ओर लौटते हैं, बचपन की ओर लौटते हैं। अब लंबी कट्टी, ये शब्दावली भी देखिए आप, दाल कविता जो मेरी बहुत प्रिय कविता है, उनसे सुबह कहा, अब वो दाल कविता जो है, हालांकि उसमें उन्होंने वो कहते हैं कि ये एक स्टेशन से शुरू होती है, अभी ढूंढ लूँगा, मैंने कुछ निशान लगाए हैं, या तजेंद्र मदद कर देंगे अब उनको। एक सौ आठ, अच्छा, दाल दाल ही है, ये शुरू हुई थी एक छोटे से रेलवे स्टेशन से, मैं लांघा सात समंदर, कूदा ऊंचे पर्वत और पूरी दुनिया, आखिर पहुंचा अपनी रसोई वाली चटाई, दाल दाल ही है। हम सबको लगता है, मुझे भी लगता है, एक जमाना था, देखिए मुझे याद है हमारे गांव वाले घर में, हम लोग कलकत्ता रहते थे, तो छुट्टियों में जाते थे अपने गांव उत्तर प्रदेश के एक फतेहपुर ज़िले के एक गाँव में, तो उस घर की जो सबसे अच्छी याद मुझे वो ये है कि हम कहीं से खेल कूद कर बाहर से आ रहे हैं और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो भिंडी के बनने की, पकने की आवाज़, उधर आवाज़ कह रहा हूँ, महक आ रही है, दाल, अरहर की दाल बन रही है, भात बन रहा है, और उसके साथ हम अपनी ओर से जोड़ लेते थे कि आलू का चोखा भी जरूर होगा। कभी कल्पना है, भूख का आह्वान है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, भूख लग जाएगी, ये एक अलग प्रसंग है, लेकिन याद कर लेता हूँ। तो एक मेरा एक लेख है, उसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर, वो सातवीं कक्षा में पढ़ाया जाता है NCERT किताबों में। तो चंडीगढ़ में एक लड़का मुझे मिला, मैं कहीं ठहरा था यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में, तो मैंने पूछा किस क्लास में पढ़ते हो, बस सातवीं में, मैंने कहा एक लेख पढ़ा है,
बोला हाँ पढ़ा है पर उसको पढ़ते बड़ी भूख लगाती है क्योंकि वो खान पान की बदलती तस्वीर है तो उसमें सबका जिक्र है डोसा इडली और ये पढ़ के हम तो सुन रहे हैं वो और भी सजीव है। अच्छा बहरहाल तो ये मुझे दिखाई पड़ा और बहुत ये स्वाभाविक है हर कवि का एक कहीं ना कहीं से आप कह सकते हो कि एक तरह की टेक होती है। तो ये मैंने पहचाना और जिसके बाद गगन ने बहुत अच्छी तरह की क्योंकि पुलिस अधिकारी का और उसके टेंशन्स का थोड़ा बहुत अनुमान हम लगा सकते हैं। हालांकि ये भी सही है मेरे लिए भी सही है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा था एक बार कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया लेकिन पुलिस कांस्टेबल को देखता हूँ डर जाता हूँ हालांकि मैं पैदल चल रहा हूँ कि कहीं चालान तो नहीं कर दिया मेरे पास गाड़ी भी नहीं तो ये तो हमारे भारतीय समाज की चीज़ है लेकिन उस भारतीय समाज में और दूसरी चीज़ें लगी मुझे कि ये बहुत समाज वाले कवि हैं जो एक आम अनुभव सबके हैं वही इनके हैं उसको शेयर करते हैं क्योंकि कविता आप जानते हो और सबकी बात हो चुकी है गुरु नानक तुलसीदास रविंद्रनाथ कालिदास और दुनिया के तमाम बड़े कवि अभी एक पुलिस कवि का नाम गगन ने लिया ही मैंने भी उनकी कविताओं का अनुवाद किया है तो ये जो एक विराट संसार है हमारा अपना ये काव्य लोक वो कहीं ना कहीं से छनकर हम सब तक आता है उसका असर तो रहेगा ही। एक लैटिन अमेरिकन राइटर नाम से भूला जा रहा हूँ ने बड़ी सुंदर बात कही भाषा को लेकर तब से मुझे भाषा को देखने का मेरा ढंग ही बदल गया। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप पर किसका प्रभाव है किस कवि लेखक का तो उन्होंने कहा जब से स्पानी भाषा बनी है उसमें किसी ने भी कुछ बोला है भी कहा किसी ने कुछ भी बोला है कहा है उस सबका प्रभाव मेरे ऊपर क्या सुंदर बात और ऐसा ही तो है बहुत अच्छा। तो अपनी भाषा का प्रभाव तो आप तक आएगा ही शब्द आप वहीं से लाओगे अब पट्टी जैसे शब्द मैंने उल्लेख किया और किसी भाषा में शायद नहीं हो मैं थोड़ा पानी पी लूँ गर्मियों में ये जो गला थोड़ा सूखने लगता है ये मत सोचिए कि मैं बहुत देर तक बोलने वाला हूँ नहीं नहीं ऊर्जा ग्रहण की है तो इसका उपयोग होना चाहिए बहुत देर तक सुनने के बाद भी प्यास लग जाती है बिल्कुल नहीं तो हमारे मित्र अशोक वाजपेयी कहते हैं बहुत सुंदर बात कहते हैं कि थोड़ा प्यासा छोड़ देना चाहिए बिल्कुल यूं कहते हैं तो लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपको अच्छा लग रहा है आपको आप सामने देखते हो तो आपको लगता है नहीं चलो थोड़ी देर और बोलते हैं पर अब जल्दी समाप्त करूंगा और ज़्यादा कुछ आप सच 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 पूछे तो कहने को अलग से कुछ बहुत है भी नहीं। एक तो मैंने कहा है कि उनकी कविता में ऐसी एक चीज़ मुझे दिखाई पड़ी क्योंकि इसमें उस तरह से ग्रह नक्षत्रों की बातें नहीं हैं सृष्टि की बातें नहीं और कविता की एक बड़ी रेंज होती है तो हम सब जानते हैं हमारी ज्योत्सना बनर्जी आडवाणी को आप पढ़िए जिनकी किताब वाणी नहीं छापी और मैंने इसकी भूमिका लिखी है एक भूमिका मैंने भी लिखी अब आप देखो कहाँ ले जाती एक साथ ही आप समाज में हो और तमाम ग्रह नक्षत्र तारे हैं वो एक स्वभाव है कवि का इनका स्वभाव बड़ा सुंदर बहुत सुंदर बात है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कई बार लगता है ये और हम सब इसको कहना कह डालते हैं अनजाने ही कि जैसे तेजिंदर कोई किसी एक बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने एक साधारण आदमी को देख लिया तो उस पर कोई बड़ा उपकार किया है ऐसा नहीं है ये बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ फिर वो कवि हैं कवि की हमको ये पहली बात तो बिल्कुल मान ही लेना चाहिए किसी को वो किसी भी क्षेत्र से आया हो और ऐसा हो एक ज़माने में तो हमारे रघुवीर जी को ये सहना पड़ा था पहले लोग ये सोचते थे कि पत्रकार कवि नहीं हो सकता मानते नहीं थे बिल्कुल तो इस मैं ये भी मानता हूँ कि एक सीमा तक ही उसकी मैं याद करता हूँ कि ये पुलिस अधिकारी है या कि मैं कहाँ से आया हूँ मैं क्या काम काज करता रहा हूँ कोई किसान है कोई कुछ ना करने वाला है वो एक अपनी जगह है। तो बहुत सुंदर
शाम हुई है और इतनी बातें कही गई हैं और उन्हें अब जिनमें से यही निकलता है जो गगन ने भी कहा, मैं असल में एक ये आखिरी बात कि दुख जो है वो भी कई प्रकार का होता है, ये कवियों के यहाँ तो कई प्रकार का होता ही है, महादेव जी के यहाँ कुछ और तरह से है, किसी के यहाँ कुछ और तरह से है। कारुणिक दुख है, तजेंद्र का दुख कारुणिक दुख है। पहले स्वयं जीवन पर, जीवन मात्र पर एक करुणा सी जागती है कि ये क्या है जो मैं देखता हूँ, ये कैसा जीवन है जो हम सब जी रहे हैं, गहरी करुणा है। और फिर जो सामाजिक चीजें हैं या जो जीवन ही हमको सौंपता है, जो दुख आता ही आता है बिछुड़ने से, किसी प्रिय के बिछुड़ने से, मित्र के बिछुड़ने से, साधारणता भी किसी से बिछुड़ने से कि बड़ा अच्छा लग रहा है और जाना पड़ रहा है, तो वो जो करुणा और फिर दुख, या कि फिर किसी चीज़ को लेकर जागने वाली करुणा और फिर दुख, तो मैं भी गगन से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि ये कविता संग्रह आना। बल्कि एक कविता का मैं जिक्र करना चाहती हूँ जरूर आपकी बात में जोड़ते हुए, बहुत ही डेलिकेट कविता है जिसमें रिक्शे की सवारी, हाँ बहुत सुंदर कविता है वो, बख्शीश कि मतलब पावर डायनामिक्स को एक पोएट इस तरह से इवैल्यूएट रीइवैल्यूएट कर सकता है, शर्मिंदा जी। तो ये जो हमारी ह्यूमैनिटी का विस्तार है, मतलब इतनी सिंपल सी घटना, सिंपल सी कविता, तो और वो आपको एकदम बदल के रख देती है, जैसे उससे पहले आपने उस स्थिति के बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। और उनकी कविता में, अच्छा हुआ आपने इसकी याद दिलाई, वो मेरी बड़ी प्रिय कविता है, तो उसका इसमें कहानी है, असल में इनके यहाँ प्रसंग हैं, जीवन के सामाजिक जीवन के प्रसंग हैं, रोज़मर्रा जीवन के प्रसंग हैं, और उन्हीं के भीतर से वो कुछ ऐसा निकालते हैं, ऐसी वो माँ वाली पोएम है, माँ वाली कविता है, और फिर बहुत सारी ठगी गई है। तो ये बहुत सुंदर बात है उनकी कविताओं की, और ये संग्रह इसलिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने जी अपने फॉर ए चेंज इसको छापा भी बहुत बढ़िया है। हाँ अच्छा, एक बार तालियां, कोई गलतियां नहीं है, इतनी बढ़िया बाइंडिंग है, इतना बढ़िया कागज है, इतना बढ़िया कवर बना है, तो बहुत बधाई आप। हाँ निश्चय ही, मैंने तो पहले भी दी। तो ये है कि ये जो सामाजिक जीवन के साधारण प्रसंग हैं, रोजमर्रा वाले हैं, उनमें से अब देखिए कविता क्या है, जितना मैं समझ पाता हूँ आज अपने को इतने वर्षों बाद, तो ये कविता के बारे में चीज़ और मैं मानता हूँ कि जैसे सुई का जो छेद होता है जिसमें से धागा निकलता है, तो कितनी सूक्ष्मता से आप किसी एक ऐसा कोई बोध कराते हो हमको कविता के माध्यम से, जो वक्तव्य से या कि मान ली किसी अनुभव के बताने से भी ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसा काम कई कविताएं इनकी करती हैं, और साधारण नहीं है ये। दूसरी ओर ये भी मैंने तजेंद्र से कहा, ये नहीं कि अभी कह रहा हूँ, सुबह भी कहा कि बहुत सारी कविताएं तो ऐसी भी हैं, होती हैं और हैं इस संग्रह में भी हैं, जिनको हम एक डायरी की में जैसे हम कई चीज़ें उतारते हैं ना, आज हमने ऐसा अनुभव किया, तो कविता के फॉर्म में वो चीज़ें भी चली आती हैं। मैं भी उतारता हूँ, फिर उसको रखता हूँ 6 महीने तक, तो रखता ही हूँ कि अब इसको कहीं प्रकाशित कराऊँ कि ना कराऊँ, फिर कभी कभी इच्छा होती नहीं नहीं कुछ तो दिख रहा करा दो। लेकिन कुछ कविताएँ ऐसी होती हैं जो इनकी दुख वाली कविताएँ हैं, जिनके से मैंने कहा कि वो कविता है
वो आप तक आई है, उसके लिए आपको एक प्रसंग नहीं ढूंढना पड़ा, उसके लिए कोई कहानी नहीं है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ। और मैंने ये भी कहा सुबह, अब उसको उसका उस बात का साझा करके समाप्त करूँगा, कि एक चीज़ मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान से सीखी है, उनको बहुत मानता हूँ मैं, इसलिए तो बहुत मानता ही हूँ, इतना बड़ा जीवन, इतने काम काज, कहानियाँ उन्होंने पैसे के लिए लिखी, एक छोटा सा संग्रह है मुकुल। तो मैंने ये सीखा उनसे कि खाली हम लोगों को नहीं लगता, हम कहते हैं कि अरे कविता के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उनको भी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, अजी बोल तो लिया करो तुम चाहे मुझसे प्यार ना हो। फिर ये है, माँ कदम का पेड़ अगर वह होता यमुना तीरे, जालियां वाला बाग में बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कोई भी कविता आप देखो, लगता है वो कलम उन्होंने तब उठाई है खाली उसको उतारने के लिए, जब उन तक आई है, क्योंकि बिना आए हुए ये पंक्तियाँ नहीं आ सकती थी। जब रानी घोड़े से गिर पड़ती है, जाओ रानी याद करेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, कैसे होता है ये वीर रस की कविता, कहाँ एक एक चीज़ आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि बस उन्होंने उतारा है। तो इसमें तजेंद्र की ऐसी कई कविताएं हैं जो इन्होंने इन तक आई हैं, इन्होंने उनको बस लिख लिया है। एक में है कि प्रसंग है, कहानियां है, वो हम सब करते हैं, हर कवि करता है, इन्होंने भी किया है, जिसको आप इम्परफेक्शंस कह रही हैं, मैं भी उसको उसी अर्थ में कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं एक और चीज़ शायद मैंने इसको ठीक से नहीं कहा कि इम्परफेक्शंस, तो मेरा अपना परसेप्शन है कि मैं कविता को किस तरह से उसका विन्यास समझती हूँ, लेकिन इस किताब ने जो मुझे बहुत प्रभावित किया कि इसकी हर कविता खरी कविता, बिल्कुल उसमें कहीं खोट नहीं है, कहीं प्रयास नहीं है कि मुझे किताब लिखनी है, मुझे कविता लिखनी है, वो एक सच्चे मोमेंट से शुरू होकर सच्चे मोमेंट पर ही खत्म। आई क्वाइट एग्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, आई क्वाइट एग्री। यही बात मैं भी कह रहा था कि वो जो डायरी ऐसी चीज़ें हैं, जो वक्तव्य है, वो वक्तव्य भी मन से निकला है, कई कैसी कविताएं हैं, और उसको उसी तरह रखा गया है। मैं फिर से आपको बहुत बधाई देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, और अपने को भी बधाई देता हूँ कि मैं सभा में इस शाम को रह सका।